गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप शेकअप, दैट्स मी नितिका। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं ये तीनों पैलेट की आप लोगों को डेमो करके दिखाऊंगी। ये मैंने SFR के मिनिएचर पैलेट्स खरीदे थे कफ्स एंड लैशेस से, और मैंने इसका पूरा रिव्यू वीडियो भी किया है। और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, मैं कहीं यहाँ पर कहीं पे उसका लिंक डाल दूंगी और आप जरूर उसको चेक करिएगा। और मैंने प्रॉमिस किया था उस वीडियो में कि मैं इन तीनों आई शेडो पैलेट्स का डेमो करके दिखाऊंगी। तो आज मैंने एक ही वीडियो में तीनों आई शेडो पैलेट्स को यूज किया है और तीन डिफरेंट आई शेडो आई लुक्स क्रिएट किए हैं। और गाइज, इस बार मैंने ज्यादा फोकस मेकअप अपना बेस मेकअप के ऊपर नहीं किया है, ज्यादा जो मेरा फोकस है वो आई मेकअप के ऊपर ही है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं अपने फेस के ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट यूज किया था, प्राइमर यूज किया था मैंने कलर बार का, और उसके बाद मैंने मेबेलिन की ड्रीम सेट इन फाउंडेशन यूज की थी, और इसको सेट करने के लिए मैंने यूज किया था स्टे कुर्की का कॉम्पैक्ट पाउडर, और उसके अलावा मैंने यूज किया था निक्स का ब्रॉन्जर, और हाइलाइटर के मैंने यूज किया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, आपने मेरे बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और लिपस्टिक्स मैंने यूज किए हैं, जो फर्स्ट लुक है उसके लिए मैंने यूज किया है ये NYB का रनवे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, न्यूडे पिंकी शेड है और इसका नेम है पीका बू। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल शेड है, मुझे पता है लुक देखने के बाद आप लोग मेरे को जरूर पूछने वाले हो, इसलिए मैंने पहले ही लिपस्टिक आप लोग को दिखा दी है। और उसके बाद जो मेरा सेकेंड लुक था उसमें मैंने शेड यूज किया था पर्पल का HT लिक्विड लिपस्टिक, ये इसका जो शेड नेम है वो है माय फर्स्ट स्लीप ओवर नंबर 10। ये एक लिक्विड लिपस्टिक है और इसकी जो लुक है बहुत ही ज्यादा सुंदर आती है। ये भी न्यूड पिंक और मोव तीनों कलर को मिक्स करके जो शेड बनता है वो ये शेड है, बहुत ही परफेक्ट शेड है और किसी भी आई लुक के साथ चल जाता है। और जो मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया हुआ है ब्लू कलर में, इसके साथ जो मैंने लिपस्टिक लगाई है वो है नायका की, और ये है नायका पाउच परफेक्ट, ये इस तरह से है और क्रियोन फॉर्म में, और इसका जो शेड नेम है वो है स्वीट एज हनी नंबर 19। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लिप कलर है, और अगर आप स्मोकी मेकअप कर रहे हो, कोई भी बोल्ड मेकअप कर रहे हो, तो उसके साथ आपके न्यूड लिप्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ जो लिप्स हैं बहुत ज़्यादा प्लम्पी दिखते हैं एंड आई रियली लव दिस शेड। और आईब्रोज के लिए मैंने यूज़ किया था मेरा ये हिलरी रोडा का पैलेट, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मोस्टली मैं अपनी वीडियोस में जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं वही ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि जो बेस्ट काम कर रहे हैं वही मैं प्रोडक्ट यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। और चलो अब देख लेते हैं जल्दी से वीडियो। और गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज मेरे चैनल को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखने आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके अगर मेरा कोई भी वीडियो आता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए, एक ही वीडियो में मैंने तीन लुक्स क्रिएट किए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कंसीलर, और मैंने उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया अपने आईज़ के ऊपर, और उसके बाद मैं ले रही हूँ मिनिएचर का ये पैलेट, और सबसे लाइट कलर जो इसमें न्यूड कलर है वो मैं उसको अपनी आईज़ पे लगाऊंगी क्रीज पर, और अच्छे से उसको स्प्रेड कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ डार्क मैट शेड है ये ब्राउनिश मरूनिश कलर है, और उसको मैं अपनी पूरी आईलेट के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी, और उसके बाद मैं ये मरूनिश कलर ले रही हूँ और उसको अपनी पूरी आईलेट्स के ऊपर लगा लूँगी। और पूरा पिगमेंटेशन देने के लिए मैं अपनी फिंगर्स के साथ ही उसको लगा रही हूँ। और उसके बाद इसमें इस पैलेट में जो सबसे डार्क शेड है, इट्स अ कोकोआ काइंड ऑफ शेड, और उसको मैं लगा रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पे, और इसमें जो रेड कलर है उसको मैं अपने लगा रही हूँ अपनी इनर कॉर्नर पे।
तो आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने इसको अपने इनर कॉर्नर पे भी लगा लिया, और उसके बाद मैं फिर से ले रही हूँ वो मरूनिश शेड और अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर लगा रही हूँ। जिस तरह से मैंने अपने ऊपर पूरा मेकअप किया है, उसी तरह से मैं अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर भी सेम वे में लगाऊंगी, ताकि फिर वो एक जैसा लगे। और उसको ज़्यादा पिगमेंट करने के लिए मैं उसको दोबारा से लगा रही हूँ, क्योंकि पहले थोड़ा सा लाइट कलर आ रहा था, और मैंने सेम शेड्स दोबारा से लगाए हैं, और उसको और अच्छे से एनहांस करने के लिए, ज़्यादा डार्क देखने के लिए उसको मैं दोबारा से शेड्स लेके उनके ऊपर वो किया है। और उसके बाद मैं फिर से इसको क्रीज पर अपना सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है कलर बार का मैट आईलाइनर, और उसके साथ एक छोटा सा विंग आईलाइनर क्रिएट करूंगी। और इसके बाद मैं अपनी वाटर लाइन के लिए यूज़ कर रही हूँ स्टीक वर्की का ये काजल, और उसके बाद मैं मस्कारा लिया है मैंने, और इसको अपर एंड लोअर बोथ लैशेस पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ अपनी हिलरी रोडा आईब्रो किट के साथ। इसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, और उसी के साथ मैंने अपने आईब्रोज फिल कर लिए हैं, और अपनी हाइलाइटर हाईलाइट किया है मैंने अपनी ब्रोबोन एरिया को, और उसके लिए मैंने यूज़ किया है सिवाना का ब्रिक पैलेट। और चलो ऑफ कैमरा कर लेते हैं अपनी दूसरी आई। तो ये है मेरा फुल फाइनल लुक। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है दूसरी आई लुक, और उसके लिए मैंने ये वाला पैलेट लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स हैं, आप मेरे एक्सप्रेशंस भी देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने शेड लिया है लाइट शेड, और अपनी पूरी आईज़ के ऊपर उसको स्प्रेड कर लिया है। और उसके बाद इसमें से जो हाईलाइट शेड है, सबसे लाइट कलर का शिमरी शेड है, उसको मैंने टियर डक्ट एरिया पे और ब्रोबोन एरिया पे लगाया है। और उसके बाद डार्क शेड है, इसमें कोकोआ कलर है, उसको मैंने अपने आउटर वी पे मैं उसको लगा रही हूँ, और धीरे धीरे उसको स्प्रेड कर रही हूँ। और इसी में से जो शिमर शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है, इसको मैं अपने आईलिड्स के ऊपर सेंटर पे लगा रही हूँ, बिल्कुल सेंटर में। और उसके बाद जो मैंने अपने पूरी आई पे लगाया था मैट शेड, उसी को मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ। और इस आई लुक को और थोड़ा ड्रामा देने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का टर्कवाइज कलर का ये जेल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ा आता है इसको लगाने में। मैं इसके बाकी शेड्स भी डेफिनेटली बाय करने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने एक सिंपल सा आईलाइनर क्रिएट किया है, और उसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया है सेम अपना मेबेलिन का मस्कारा, और अपर और लोअर बोथ लैशेस पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने निक्स की जम्बो पेंसिल ली है, और उसमें गोल्डन कलर और वाटर लाइन पे इसको लगा लिया है, और ये है मेरा फिनिश फाइनल लुक। चलो अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना थर्ड लुक। और आप देख सकते हो इसमें ब्लू ग्रीन बहुत ही ब्यूटीफुल से शेड्स हैं। और सबसे पहले मैंने लिया ये टर्कवाइज कलर है ये मैट में, और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसको मैंने अपनी पूरी क्रीज एरिया पे मैंने इसको स्प्रेड किया है, और यहाँ पे मैंने लार्ज फ्लफी ब्लश ब्रश लिया है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये मैट शेड, रॉयल ब्लू कलर है, बहुत ही प्यारा शेड है, और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रीज लाइन पे लगाऊंगी, और इसको आउटर साइड से थोड़ा सा वी बनाते हुए इसको मैं अच्छे से अंदर की तरफ और वी बनाते हुए अच्छे से लगाऊंगी। और पहले मैंने थोड़ा कलर लिया है, कम लिया है, ताकि थोड़ा एक आइडिया हो जाए कि मुझे कितना पिगमेंटेशन इसका चाहिए, और धीरे धीरे मैं और कलर लेती जाऊंगी और उसको लगाती जाऊंगी। और उसके साथ साथ ही मैंने वो लाइट स्काई ब्लू जो शेड था उसको क्रीज लाइन पे दोबारा से सेट किया है। और उसके बाद मैंने ये शिमर शेड लिया है, और इसको अपनी
सेंटर पे लगाया है लिड के ऊपर। इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एक्चुअली मुझे तीनों ही पैलेट्स को यूज़ करने में बहुत मज़ा आया। बहुत ही पिगमेंटेड हैं शेड्स और मज़ा आता है। बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट बटरी शेड्स हैं और इनकी पिगमेंटेशन बॉम्ब है। और अब मैंने इसको सेंटर में लगा लिया है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद मैंने सबसे लाइट शेड लिया है, ये गोल्डन और ग्रीन शेड का मिक्स है। बहुत ही प्यारा शेड है, हाईलाइटिंग शेड है। और ब्रोबोन एरिया पे और टियर डक्ट एरिया पे मैंने इसको अप्लाई किया। उसके बाद दोबारा से मैंने ये मैट रॉयल ब्लू कलर लिया है और इसको अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। और लोअर लैश लाइन के लिए मैंने इसमें दो शेड यूज़ किए हैं, रॉयल ब्लू, और दोनों ही मैट शेड्स को मैंने यूज़ किया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आई है। और इसके बाद मैंने एक विंग लाइनर क्रिएट किया है और इसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी का स्केच लाइनर यूज़ किया है। ये बहुत अच्छा लाइनर है, मस्ट बाय प्रोडक्ट है मेरी तरफ से। बिल्कुल जेट ब्लैक है, अफोर्डेबल है और वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है। सुबह लगा लेते हो आप, शाम तक ये टिका रहता है, बहुत अच्छा है। और इसके बाद मैंने फिर से अपने मस्कारा लगा रही हूँ यहाँ पर। चलो, मैंने ऑफलाइन कर लिया है अपना मेकअप फिनिश। तो ये है मेरा फिनिश फाइनल लुक। ये मेकअप लुक मेरा फेवरेट है, थर्ड वाला स्पेशली। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आई है इसके साथ। मुझे बहुत मज़ा आया मेकअप करके। इन तीनों पैलेट्स को मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, मस्ट बाय प्रोडक्ट। और आप इनको काफ्स एंड लैशेस से ले सकते हो। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर 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 शेयर कर देना। और किस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको ये वाला वीडियो पर्टिकुलरली कैसा लगा आप मुझे वो भी बता सकते हो। और गाइस, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे आते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी, इतना सा भी अच्छा लगा है, इतना सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस, और मुझे कुछ नहीं कहना है। चलो ठीक है, बाय बाय।